अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ये देखो औरतें बाहर बाजारों में, इस कंट्री में वुमेन को कुछ भी अकेले करना अलाउड नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन लोग, लेडीज लोग, आपको हर जगह दिख रही है, जेंट्स नहीं दिख रहे, हर जगह लेडीज ही दिख रही है। बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ हो रहा होगा सऊदी अरेबिया में। ये इंडियन लड़की मेहंदी लगा रही है। कैब रियाद के सबसे नए सबसे मॉडर्न मॉल के अंदर, मॉल पे ये पूरी मेकअप का शॉप है। सऊदी अरेबिया में सिनेमा हॉल बैंड था, बॉलिंग एक्टिविटी हो रही है। सऊदी अरेबियन बच्चा मिला है। नो बच्चा मैन। काफी अच्छी नाइट लाइफ चल रही है रियाद की, लाइव बैंड परफॉर्मेंस हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है। Oh my God, काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ सऊदी अरेबिया को लेकर। मुझे लगा रात है, सब कुछ बंद हो चुका होगा, मेरे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ सऊदी अरेबिया रियाद कुछ ऐसा होगा। डांसिंग ये कुछ बार लग रहा है। रस्ते हैं ये उनके, मैं कहता हूँ ये इनके वो हैं जनाब, इनके वो आर्मीज हैं, इनकी फौजें हैं। अच्छा। इनकी फौजें हैं, इनके आर्मीज हैं। और आपको पता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने मदारस में जितने मदरसे हैं उनमें पाबंदी लगा दी है, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्कूलों में। देखना चाहिए, गलत बात है कि औरतें बगैर पर्दे के वहाँ घूम रही हैं और ये मार्केट में इस तरीके से, या सलमा का सुनने में भी आया है कि सलमा ये बनाने जा रहे हैं। आपकी बात सर ये एग्री कर रहा हूँ, हमारे लोगों को क्या तकलीफ है, हम अपने मुल्क को तो डुबो चुके हैं कि दूसरे को भी जा रहे हैं डूबने। यार हमारा मुल्क पता है, मैं आपको बताऊं, ये लोग भी ना हम मजहबी बने हुए हैं। अच्छा। मजहबी, इनको मजहब का पता है नहीं, ठीक है ना, ये सारे बटे हुए हैं। इस मुल्क में आपने कुछ भी काम करना है ना तो सब मजहब का रंग दे दो। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है, उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं, पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों मुसलमान हुआ। मजहब का रंग देख किसी से इंतकाम ले लो इस मुल्क में, मजहब का रंग देख किसी से भी इंतकाम ले लो। आपको आप देखिए सर, दुनिया में सबसे ज्यादा फिरके यहाँ पाए जाते हैं। और आपने क्या, आपने जो नमाज की एक स्टोरी बताई मुझे, वो हमारे ऑडियंस को भी बताएं, जरा आवाम को थोड़ा पता चले कि क्या क्यों क्या कुछ हो रहा है और ये चीज क्यों हुई आपके साथ, ये भी बताएं। है अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो अभी मैं अतुरैफ के बाहर आ चुका हूँ और इस जगह का नाम है बुजैरी टेरेस। अतुरैफ इनका जो ट्रेडिशनल पुराना एरिया है उससे ज्वाइंट है ये बुजैरी टेरेस। और यहाँ पर ना काफी सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफे है, मतलब इनका जो पहले का पुराना मड आर्किटेक्चर था उसको इन लोगों ने पूरा रेनोवेट कर दिया, नए तरीके से बना दिया है और उसमें ही रेस्टोरेंट्स और कैफेज खोल दिए हैं। क्योंकि अभी शाम हो चुकी है ना, तो यहाँ पर जो अतुरैफ है वहाँ पर अभी लाइट एंड साउंड शो हो रहा था, उस पर इनकी पूरी हिस्ट्री दिखाई जा रही थी, दिखाया जा रहा था कि ओरिजिनल सऊदियंस लोग, ओरिजिनल सऊदी स्टेट के लोग 18th सेंचुरी में कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो हम लोग उसकी नस्ल में से, वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ क्योंकि चौहान मुसलमान भी है। अच्छा अच्छा। मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण जात है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण जात हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से, और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है मोहम्मद बिन कासम पे। दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है, उसके वहां पे लोग आज भी उसकी पुरस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है। अच्छा। जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है। अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यार आज मैं आपको बताऊं, मैं बताना नहीं चाहता इस बात को लेकिन मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, रियाकारी में भी आ सकता है। इसलाह के लिए रियाक कर दिया गया है कि वहाँ पर औरतें जो है वो ड्राइव कर सकती हैं, विदाउट महरम वो घूम सकती हैं। औरतों को मतलब कि फ्रीडम दे रहे हैं ना औरतों को, क्या आपको लगता है कि औरतों को फ्रीडम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या पाकिस्तान में जिस तरह से औरतें घरों के अंदर है उधर भी घरों के अंदर रहनी चाहिए?
नहीं उधर भी घरों के अंदर ही रहनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये फिर वही बात हो जाएगी। औरतों को देनी ही नहीं चाहिए? नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ना हो कि जैसे ड्राइविंग कर रही हैं या बाजार में घूम रही हैं, वहाँ पे तो कम से कम पर्दा होना चाहिए। Didn't take long before the young state had to cope with a new enemy, the Ottoman Empire. The Ottomans deployed a massive army in the Arabian Peninsula that began attacking and destroying the towns of the first Saudi state. फिर उसके बाद दिखाया गया जब पहला सऊदी स्टेट बना तो ओटोमैन एम्पायर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो उसकी भी हिस्ट्री दिखाई जा रही थी विजुअल्स के थ्रू कि कैसे ओटोमैन एम्पायर ने फर्स्ट सऊदी स्टेट को अटैक किया, फिर उन लोग कैसे उनसे बचे, कैसे अलग हुए। In 1932, King Abdul Aziz proclaimed the establishment of the Kingdom of Saudi Arabia. तो काफी हैपनिंग वाली जगह है ये, स्पेशली शाम को रात में, दिन में थोड़ा खाली रहता है क्योंकि दिन में यहाँ काफी गर्मी रहती है, शाम होते होते मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, हल्की ठंड भी हो जाती है, तो लोकल जो सऊदियंस लोग हैं, सऊदी अरेबियंस लोग हैं, वो शाम को यहाँ पर आते हैं। सऊदी अरेबियंस यहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स कैसे अपनी इवनिंग, कैसे अपनी शाम को गुजारते हैं, अदर नेशनलिटी वाले भी थोड़े बहुत है, बट आई थिंक 80-90% सऊदी अरेबियंस ही है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है, पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमरीका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीब गरीब लतीफा है कि एक मुल्क पहले बने और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए, मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना, रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों के होते हैं ना, ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसान दे हो, ठीक है, मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ, ठीक है, वो एक जैसा नुकसान करेगा, सूरज सेकुलर है सबको धूप देगा, एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है, वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है मसलक क्या है, वो आपसे ये बात नहीं करेगी, पेनाडोल सेकुलर है, दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है, ठीक है, रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए, उसका शहरियों के अकायद या मजहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं, ये मुमकिन कैसे है भाई, हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया होगा तो वो इंडियन दुश्मनी है ना, अगर इस खत्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खत्ते में हमारी तो दुश्मनी किसी से नहीं रह जाती, तो जबकि जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है ना, उसके पास फौज रखने का जवाब होगा, हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो क्या ये अदारे डिसाइज होंगे? शिया सुन्नी वहाबी जो फिरका वाली के मौलवी है और इन्होंने मस्जिदों का मोर्चा बना के रखा हुआ है, दुआएं कहना क्या मांगते हैं, अल्लाह मियां हमें उम्मत मुसलमान को यकजहती अता फरमा, तो ये फिरका वरियत क्या यकजहती फरमाएगी? तो को पीछे रखेंगे जो कि तकरीबन 50% आबादी है, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं, औरतों के साथ तो तरक्की नहीं की जा सकती है, मर्दों को आगे बढ़ना चाहिए, फिर इनसे सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो मर्दों ने आज तक हमारे मुल्क में क्यों नहीं कोई स्पेस का मिशन लॉन्च किया, आईटी सेक्टर के अंदर हम इतने पीछे क्यों हैं, दुनिया से हम इतने पीछे क्यों हैं, कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को, हमारे लोगों को क्या तकलीफ है, हम अपने मुल्क को तो डुबो चुके हैं कि दूसरे को भी चाह रहे हैं डूबे। यार हमारा मुल्क पता है, मैं आपको बताऊँ, ये लोग भी ना हम मजहबी बने हुए हैं, मजहबी इनको मजहब का पता है नहीं, ठीक है ना, ये सारे बटे हुए हैं, इस मुल्क में आपने कुछ भी काम करना है ना तो सब मजहब का रंग दे दो, मजहब का रंग दे के किसी से इंतकाम ले लो, इस मुल्क में मजहब का रंग दे के किसी से भी इंतकाम ले लो, आपको आप देखिए सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिरके यहाँ पाए जाते हैं इस मुल्क में, ठीक है ना, ये इन फिरके की बेस पर इनकी अपना ये मजहब के रंग पर इन्होंने अपने एक वो कह लें कि एक रियासतें बनाई हुई हैं, स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई हैं, तो शिया सुन्नी वाबी देवबंदी और पता नहीं कितने फिरके, हमें नाम भी नहीं आते, ये स्टेट विद इन स्टेट है, ठीक है जी, ये जो आपके मदरसे हैं ये उनके, मैं कहता हूँ ये इनके वो हैं जनाब, इनके वो आर्मीज हैं, इनकी फौजें हैं, अच्छा। इनकी फौजें हैं, इनके आर्मीज हैं, और आपको पता है कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने मदारस में जितने मदरसे हैं उन पर पाबंदी लगा दी है, कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्कूलों में, उनका इन बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाए, ये कितना बड़ा और जदीद तलीम दें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा था जब फतह मक्का के दो सॉरी बदर के मौका पर उन्होंने कहा था कि अपने
ये दो तीन बंदूक हमारे बंदूक बढ़ा दे उनको हम छोड़ देंगे, तो क्या आपका मतलब है इस्लामी तालीमात बढ़ानी थी, जदीद दौर की तालीमात देनी थी, आप तालीमें देनी थी इनको। हमारे लोग तो अभी कल मैंने इसी पर बात की मोहम्मद शाह साहब, मैं ये बता दूं ये मौजूदा जो दौर है, मौजूदा दौर मैं समझता हूँ कि कायनात में ये जो दौर मौजूदा दौर आया है इससे ज्यादा फास्ट दौर अभी तक नहीं आया कायनात में, कि आप मोबाइल को क्लिक करते हैं, आवाज़ ठोकते हैं, कहते हैं, उसी वक्त वो चीज़ आपके सामने आ जाती है यार, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो जाता है यार। अब तो इलम की इतनी बख्तात हो गई है, अब किसी जगह बैठ किसी भी चीज़ पर किसी भी नुक्ते पर आप मालूम फील फौरन हासिल कर सकते हैं और हर बंदा हासिल कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यार मैं समझता हूँ जो हमारा जो मजहब इस्लाम है ना, मजहब इस्लाम वो आसानियाँ जिंदगी में आसानियाँ पैदा करता है, लेकिन हम लोग आसानियाँ लेना नहीं चाहते यार। Okay, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी अपोजिट है इस जगह से। सो गाइस, अभी हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जिसको बोलते हैं रियाद पार्क, और यहाँ पे रियाद पार्क मॉल भी है जिसको पूरे सऊदी अरेबिया का या फिर पूरे रियाद का सबसे मॉडर्न और न्यूएस्ट मॉल बोला जाता है। ये मॉल, ये जगह 2017 में बनी है, लगभग आज से 6-7 साल हो रहे हैं, बगल में ही है। उससे पहले मॉल जाने से पहले उसके बगल में कुछ एक कोर्टयार्ड टाइप का, यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, ओपन एरिया है, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लोकल साउदीज यहाँ पे खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा, काफी सारे ड्रिंक्स हैं, खाने पीने को है। पर यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जेंट्स बहुत कम दिख रहे हैं, लेडीज बहुत ज्यादा दिख रही है, पता नहीं ऐसा क्यों, सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में ऐसा है। थैंक यू। यहाँ मैं ऐसे वॉकिंग कर रहा था, लेडीज मेरे को बुला रही हैं। ओके, कौन कौन, व्हाट इज कस्तिना? ओह, दिस चेस्ट, लाइक अ चेस्टनट, इन इंग्लिश आई थिंक इट्स चेस्टनट। ओह, इट्स अ बारबेक्यू चेस्टनट। ओके, तो यहाँ पे ये देखो चेस्टनट है शायद, नॉट श्योर, कुछ और बोल रही हैं। अब यहाँ पे ये देखो कॉर्न है। ओके, व्हाट इज दिस? This is from traditional, Saudi traditional. Saudi traditional, okay. You Saudi Arabian? Yes. Okay, तो यहाँ की लोकल नहीं, Saudi Arabian है। यहाँ पे शॉप पे काम करती हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। This also traditional. Oh, it's a cap. Okay, शुक्रन, शुक्रन। अब देखो जी, ladies हैं, मेरे को एक cap लगा दीजिए, बोलिए एक traditional cap है, Saudi Arabia की। Okay. So cool. What do you call this cap? What is the name of this cap? साफ, ओके, साफ कुछ ऐसा नाम है, साफ, ओके, 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 सो पीपल समटाइम दे वियर दिस कैप इन समर्स, आई थिंक इन समर ट्रेडिशनल, ओके ओके ओके, व्हेन देयर वेयर नो एसी एंड नो फैन पीपल यूज दिस। आर यू फ्रॉम रियाद और सम अदर सिटी? फ्रॉम दमाम। Dammam, oh, it's near, very close city to the, it's near Bahrain, Bahrain. Ah, near Bahrain. Yeah, yeah, near Bahrain. You what? Sea. Yeah, yeah, sea, mm-hmm. Yeah, yeah. And what is your name? My name is Fatima. Fatima, oh. हम लोग कभी अफगानी बन जाते हैं, कभी कभी ईरानी बन जाते हैं, कभी तुर्किया बन जाते हैं, कभी अरबी बन जाते हैं, अरबी बन जाते हैं। खुदा की कसम, ये अपने इनके आप मानते क्यों नहीं? हम ओरिजिन में क्या ये बता दें? हम यकीन जाने यार, हमारा अपना रीजन है। हमारे इसके अपने तस्दीब के लिए इंडियंस हैं, इंडियंस हैं, हमारी अपना तस्दीब और सकाफत है, ठीक है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। आप देख लें, कभी कपड़े मौलवियों की तरह पहन लेंगे, अरबी वाले पहन लेंगे, कभी तुर्की वाले पहन लेंगे, कभी सऊदी अरब वाले कपड़े पहन लेंगे, कभी यार हमारा अपना मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, हमारा अपना कल्चर मुल्क है, हजारों साल की इसकी तमद्दन है, हजारों साल का तमद्दन है। इंडस वैली, आपको सबसे जो तरक्की याफ्ता इंडस वैली है।